बॉलीवुड में सभी एक ट्रेस से अलग अपनी बेबाक राय रखने वाली कंगना रनौत एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार उन्होंने ऋतिक रोशन पर नहीं बल्कि महिलाओं के बारे में अपनी राय रखी। कंगना का कहना है कि अगर कोई महिला महत्वाकांक्षी होती है तो लोग उसे नकारात्मकता से देखते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान कंगना ने ये बात कही। उन्होंने कहा, देश में उस सिद्धांत पर नहीं चलती जिसमें ये कहा जाता है कि अच्छी लड़कियों को अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, उनको केवल बलिदान करना चाहिए। लेकिन मेरा जीवन सिर्फ मेरा है और इसे मैं खुद के लिए जीना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले अपने आप को अहमियत देती हूँ। इसके साथ ही उन्होंने कहा, देश में अपनी योग्यता का पूरा इस्तेमाल करना चाहती हूँ। ये बात मेरे परिवार के लिए नहीं है। मैं उन एक्ट्रेस की कैटेगरी में शुमार नहीं हूँ जो महान भारतीय महिला हैं और सभी को खुद से पहले रखती हैं। यहाँ तक कि अगर आप महिला हैं और महत्वाकांक्षी हैं तो आपको विलेन के तौर पर देखा जाएगा। मैं एक छोटी से शहर से आई हूँ और खुद की पहचान बनाना काफी चैलेंजिंग था। आपको बता दें कि कंगना और ऋतिक विवाद बीते काफी समय से लाइमलाइट में रहा। हालांकि कुछ समय पहले ये मामला थोड़ा ठंडा होता दिख रहा था, लेकिन इस महीने की शुरुआत में कंगना ने वकील ने एक वीडियो पोस्ट किया और ऋतिक पर दोबारा हमला बोला। कंगना और ऋतिक के बीच यह विवाद तब शुरू हुआ जब ऋतिक को कंगना ने फिल्म प्रमोशन के दौरान दिए एक इंटरव्यू में सिल्ली एक्स कह दिया था। इसके बाद दोनों के बीच लीगल नोटिस जारी कर विवाद शुरू हो गया था। इस बीच दोनों के निजी ईमेल लीक होने से लेकर पुलिस केस तक ने मामला उलझाया। विवाद बढ़ता देख 4 साल बाद ऋतिक ने चुप्पी तोड़ते हुए ट्विटर पर लंबा पोस्ट लिखा और एक चैनल को इंटरव्यू देकर अपना पक्ष रखा।